गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो केमिकल इक्वेशन का रिलेटेड क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे पिछले क्लास में। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे कम टाइम में, उससे रिलेटेड ये वीडियो बना। ये वीडियो बहुत छोटे से समय के लिए बना रहे हैं, बहुत छोटा होगा लेकिन इसको ज़रूर देखोगे। और जिस तरीके से ये बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, इसको आप बाकी के जो क्वेश्चन पिछले क्लास से बताए हैं उसको भी आप इसी मेथड से जरूर। यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहला जो तरीका ये है इक्वेशन को सोल्व करने का, क्वेश्चन को सोल्व करने का, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, मीथेन यानी कि CH4 बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, क्यों, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह स्टेटमेंट के अनुसार से इक्वेशन लिख दी। अब इसके बाद में इसको बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से ही। तो बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन का 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर। अब यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अब फिर जैसा पिछले क्लास में बताए थे कि मास, मॉलिक्यूल, मोल और वॉल्यूम, ये सभी हम लोग इक्वेशन देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले जो जो निकालना है और जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ मीथेन, तो यहाँ 32 ग्राम लिख दी। निकालना क्या क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का मास निकालना है। फिर निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O यानी इस जगह पर H2O का नंबर ऑफ मोल निकाल। अब जो निकालना है और जो दिया हुआ है वो उसी के रिस्पेक्ट में नीचे में उसका वैल्यू लिखो। क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है तो इसका मोलर मास निकालेंगे, 12 + 1 × 4, ये वैल्यू हो गया 16 ग्राम। इसका मास निकालना है, ये आ जाएगा 2 × 16 × 2, इट मीन्स 64 ग्राम। यहाँ वॉल्यूम है 1 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। और यहाँ 2 मोल है, इसका मतलब 2 × अवोगैड्रोज नंबर के बराबर हो जाएगा, 2 × अवोगैड्रोज, ये निकल गया। अब देखो डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, जो ये सारा काम हम लोग पिछले क्लास में भी सीखे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से किए। अगर आप में से कोई पीछे कला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देखने के पहले पीछे वाले पार्ट का वीडियो जो है वो देख लो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल, उसको भी जा कर के देख। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया पार्ट जो करेंगे, नया काम जो करने जा रहे हैं वो इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर यहाँ देखो 32 है और ये 16 है, तो करना क्या, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे वाले से डिवाइड कर दोगे। तो देखो तो 32 / 16 करेंगे तो फैक्टर कितना आ गया, 2। ऐसे भी करो 16 × 2 जा कितना हो गया, 32। तो यहाँ ये जो फैक्टर आ रहा है बिल्कुल इसी फैक्टर को सब के साथ में यूज कर देंगे, यानी यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सॉरी मोल पूछा जा रहा था, मॉलिक्यूल नहीं कि अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस जगह पर इनका सिंपल आएगा। अब देखो आंसर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 × 2 = 128 ग्राम। 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 44.8, और 2 मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 मोल। यानी फाइनल आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का मास कितना आया, तो देखो कितना आ गया, 128 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम STP पर कितना आ गया, तो ये आ गया 44.8 लीटर। वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, वाटर का नंबर ऑफ मोल आ गया 4 मोल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जहाँ पर बाकी देखो आप कि थोड़े से क्या स्पेस में ही हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। बस ये फैक्टर निकालते वक्त में ध्यान देना है, कैसे निकाले सर एक बार फिर से बताइए, फिर से सुनो। यहाँ यह 32 है और ये 16 है, तो 32 / 16 करेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा, 16 × 2 = 32।
तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा और क्लियर होगा, एक और क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ कर रहा है लाइमस्टोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लाइमस्टोन का फार्मूला क्या हो गया, CaCO3, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। थोड़ा सा आगे में स्पेस छोड़ोगे और अब तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों स्पेस छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए स्पेस छोड़ने के लिए। आगे रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए और इस जगह पर वाटर लिख दिए। अब जो जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। करा है रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म इफ 10 ग्राम लाइमस्टोन। देखो यहाँ लाइमस्टोन का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, इस जगह पर लिख दिया हम लोग 10 ग्राम। निकालना क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। एक मिनट, पहले इक्वेशन बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी का बैलेंस होगा। HCl का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कह रहा है, यानी इनका मोल निकालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ इसका मॉलिक्यूल निकालना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऑफ H2O का मास निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है एट STP। अब जो निकालना है वो उसके नीचे में लिखेंगे। एग्जामिनेशन में तो कोई एक ही पार्ट निकालने के लिए कहेगा, तो बाकी का हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो कहेगा बस उसी के नीचे लिखेंगे और फैक्टर निकाल करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सब हम ले लिए हैं कि जैसे पूछा जाए। यहाँ 10 ग्राम है तो इनका मोलर मास निकालेंगे, 100 आता है, कैसे आ रहा है जो हम बता रहे हैं, 40 + 12 + 16 × 3 और ये वैल्यू हो गया 100 ग्राम। इनका मोल पूछा जा रहा है तो देखो, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कितना मोल इसका दिया हुआ है, 2 मोल। इसके मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं तो ये 1 मोल है, तो 1 × एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल है यहाँ। इनका वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो इनका वॉल्यूम 22.4 लीटर, चूँकि 1 मोल है। और इनका मास पूछा जा रहा है तो मोलर मास निकाल लो, इनका मोलर मास का वैल्यू आ जाएगा 18 ग्राम। अब फैक्टर निकाल करके बाकी के पार्ट का यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ 100 है और यहाँ 10 है, अभी क्या बताएं, 10 / 100 करोगे तो फैक्टर कितने का आ गया वैल्यू, 1/10, या इसी को 0.1 करेंगे, यानी ऊपर वाले वैल्यू को नीचे वाले से डिवाइड करना, इसका ध्यान रखना। वही सेम कंसेप्ट इन सब जगह पर अप्लाई करेंगे, यानी इनका भी 1/10 कर देना है, इसका भी 1/10 कर देंगे, इनका भी 1/10 कर देंगे। देख रहे हो ना कितना आसान है, 1/10, और इनका भी 1/10 कर देंगे, 1/10। अब 1/10 करो, देखो 2/10 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.2। अब अगैडो नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.022 × 10^22, और ये 22.4 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये 2.24 लीटर, और 18 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 1.8 ग्राम। आंसर लिखना है अगर आपको तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, HCl का आंसर कितना आ गया, 2 मोल। A में नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl पूछा जा रहा था, B में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 × 10^22। C में मास ऑफ H2O पूछा जा रहा है तो H2O का मास कितना निकाले हैं आप, 1.8 ग्राम। और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा जा रहा है, देखो हम लोग का CO2 का वॉल्यूम आया है 2.24। हम समझते हैं कि अब आप इस मेथड से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे जो पहले हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं उससे। देखो यहाँ दिया हुआ, इथेन ऑन कंबसन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इथेन का याद करो, इक्वेशन जब हम लोग बैलेंस किए थे तो वहाँ पर लिखे थे 2C2H6 + 7O2
इट गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O, 6H2O, ये इक्वेशन बैलेंस करने के बाद। इसलिए इस पर फोकस नहीं किए क्योंकि हम लोग इसका पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग। अब जो अभी बताए हैं उस कंसेप्ट का यूज करो। अगर इथेनॉन कम्बसन इफ 12 ग्राम इथेन, यानी इनका मास दिया हुआ है 12 ग्राम, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, यानी इनका नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको, मास ऑफ H2O, यानी इनका मास निकालना है ग्राम में, एंड वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी इनका वॉल्यूम निकालना है। अब इनका निकालो आप, 2 12 × 2 + 1 × 6, ये वैल्यू आ जाएगा 60 ग्राम। यहाँ पर कितना मोल है? 7 मोल। यहाँ वॉल्यूम 4 है, तो इसको 4 × 22.4 लीटर लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाद में डिवाइड करना हो। ये 6H2O है, तो 1 × 2 + 16, यानी यहाँ ये वैल्यू आ गया, 6 × 18 करेंगे तो 108 ग्राम, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 108 ग्राम। अब इसके बाद में हम लोग को फैक्टर निकालना है, किस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे। देखो यहाँ 12 है और इस जगह पर 60 है, तो 12 / 60 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5, यानी कि सब को आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से सिर्फ डिवाइड करना है। देखो अब यहाँ पर कैसे कितना आ जाएगा, जो हम डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ 7 मोल है, इसको डिवाइड करना है 5 से, 7 / 5 यानी कि 1.4, इनका आंसर आ गया 1.4, इसे भी डिवाइड करना है 5 से, तो 4 × 22.4 / 5 किया गया 17.92 लीटर, और वाटर को लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 108 / 5, 21.6 ग्राम, 21.6 ग्राम, यानी फाइनल आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो वहाँ लिख सकते हैं हम लोग, पूछा गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल आ गया 1.4 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया CO2 का, तो इनका वॉल्यूम आ गया 17.92 लीटर, और H2O का पूछा गया है तो H2O का मास आ गया 21.6 ग्राम। तो ये हम लोग सोल्व किए डायरेक्ट मेथड से, आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो ये। अब अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं ये आपके लाइव क्लास का नहीं है, ये वीडियो हम अलग से बना रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास में क्वेश्चन स्टूडेंट को भी दिए थे, वो लोग भी बनाया था, आप में से कुछ लोग अटेंड किए होंगे, तो वहाँ पर वो आप बना रहे होंगे, हम अलग से इसको रिकॉर्ड किए ताकि टाइम आपका कम लगे, और इस कम टाइम की वजह से आप इसे कम से कम एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखें। फिर जो लाइव क्लास अटेंड नहीं किए थे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है कि आपका ऑफलाइन हो, जैसा भी होगा हम आपको एडवांस में व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर ऑफलाइन हुआ तो ठीक है, इसके आगे का पार्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ना है हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ यही रखे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिस्कस करेंगे, तो वहाँ कंसेप्चुअल पार्ट है, लेकिन वो तभी आपको समझ में आएगा जब यहाँ तक का ये पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए थे वो बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे थे और सब लोगों से बन रहा था, तो आप लोग जो नहीं ज्वाइन किए हैं एटलीस्ट इसको कम से कम अपनी कॉपी में ज़रूर कर, तब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हो अच्छे से, बाकी एक बार मैसेज चेक कर लीजिएगा जैसा होगा। अगर ऑनलाइन ही होता है तो एक ही क्लास और होगा ऑनलाइन का, बाकी तो फिर मंडे से क्लास चलेगा ही आपका अपने टाइम पर, अगर ऑनलाइन का बनता है पॉसिबिलिटी, वेदर पर डिपेंड करता है मौसम, जैसे आज कुछ ठीक था वैसे अगर मौसम ठीक रहा तो देखते हैं फ्राइडे को हम लोग ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।